guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. After a really long time, I'm doing offline haul. Yes, इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें जो मैं वो मैंने ऑफलाइन परचेज करी हैं. जब भी सेल लगती है मैं तभी ऑफलाइन परचेज करती हूँ, बिकॉज मैं मॉल जाके कभी भी एम आर पी कुछ नहीं लेती. आई एम चिंदी लाइक दैट. सो इस टाइम बहुत ही सेल लगी हुई थी, जून जुलाई के टाइम सारी ब्रांड्स पर सेल लगी हुई होती है. सो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें पिकअप करी हैं. सो इट्स लाइक अ कलेक्टिव हॉल. आई हैव थिंग्स फ्रॉम जूडियो, आई हैव थिंग्स फ्रॉम लाइफ स्टाइल. देन अभी रिसेंटली मैंने लेंसकार्ट से चश्मे भी लिए नए, तो वो मैं आप सबके साथ अनबॉक्स करने वाली हूँ. बट कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी है, अमेजोन से है, मिंत्रा से है. सो यार काफ़ी खिचड़ी वाला हॉल होने वाला है, बट आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल. मेरा मन था काफ़ी टाइम से ऐसा हॉल करने का. सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रांड नंबर वन इज जूडियो. आई रिसेंटली वेंट टू जूडियो. जूडियो के बहुत सारे स्टोर खुल चुके हैं दिल्ली में, एंड ओ माई गॉड इतना अमेजिंग कंसेप्ट है ना इनका. मैंने जूडियो टूर भी डाला अपने इंस्टाग्राम पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हो. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan. गो देयर एंड वॉच दैट टूर. उसके अंदर मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर अप कर दी हैं कि जूडियो में क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राइस रेंज है, एंड इट्स वेरी वेरी रीजनेबल. बेसिकली इनका कंसेप्ट है सब कुछ अंडर 999 ओनली. सो कुछ भी 1000 रुपये से ऊपर का नहीं होगा. या स्टार्ट होता है 49, 59, 79, देन 299. सो काफ़ी रीजनेबल इनके प्राइसिंग है. एंड जूडियो इज ओन बाय टाटा ग्रुप इफ यू डोंट नो. सो आइटम नंबर वन जो मैंने जूडियो से लिया है वो है ये टॉप, जो मुझे देखते ही पसंद आ गया था. वेरी प्रिटी फुल स्ट्रेच वाला टॉप मैंने साइज लिया है मीडियम, बिकॉज स्मॉल थोड़ा टाइट लग रहा था. मीडियम की फिट काफ़ी अच्छी है ये, बिकॉज इसे स्ट्रेचेबल मटेरियल का है ना, तो एकदम बॉडी हगिंग इसकी फिट आती है. देन इसके स्लीव्स पर बहुत सारी रफल वाला पैटर्न है जो बहुत प्रिटी लगता है. इट्स लाइक अ वेरी नाइस ज़ारा सॉर्ट ऑफ टॉप. ज़ारा पे ऐसे वाले टॉप आपको मिल जाएंगे 1000-1500 प्लस, और ये मुझे मिला है जूडियो से फॉर 499 ओनली. सो डेफिनेटली अ रियली नाइस पिक, और ये ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है. यूजली ज़ारा पे या फिर और किसी ब्रांड में आप देखोगे ना, वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्ड होते हैं, छोटे होते हैं. इसकी लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट लगी. सो या नेक्स्ट अप मैंने ली है इनकी टीज, जो काफ़ी अच्छी लगी रेट वाइज भी, बिकॉज दीज आर जस्ट फॉर रुपीज़ 199 ओनली. एंड इनके प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छे लगे. मुझे ना डेली के लिए चाहिए थी, लाइक क्लासेस में जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, एक अच्छी टीज होनी चाहिए. और करंट वाली मेरी सारी घिस गई थी, तो मुझे प्राइस रेंज अच्छी लगी. सरोजनी से ऐसे ज़बरदस्ती डिफेक्टिव लेने से अच्छा आई फील है ऐसे अच्छे स्टोर से आप 199 की टी ले लो, वो ज़्यादा लंबी चलती है. सो दिस इज टी नंबर वन. इट हैज़ दिस लाइन कॉल्ड वाई नॉट, और बहुत प्यारा बारबी पिंक कलर है जो आजकल काफ़ी इन चल रहा है. मुझे चाहिए भी था ये वाला कलर बहुत टाइम से. इट्स लाइक अ मजेंटा पिंक सॉर्ट ऑफ कलर. लेंथ इसकी एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. मैंने जब पहना भी है, लेंथ ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है. टी मैंने पिकअप करी है ये पीच कलर में, जो कुछ दिखती है इस तरह से. इट हैज़ दिस लाइन क्रिएटेड फॉर हिज ग्लोरी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. अगेन दिस इज द साइज एस. मैंने दोनों टी शर्ट एस में लिए हैं. मैंने इन टी शर्ट्स का साइज एम भी ट्राई किया था, लेकिन एम बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था. एस में थोड़ी फिटिंग अच्छी आ रही थी, एंड दिस आर लाइक नाइस लूज लूज वाली टी शर्ट्स. तो अगर आप मेरे साइज के, आई थिंक एस आपको काफ़ी कंफर्टेबली आ जाएगा और काफ़ी प्यारा. इसका मतलब एकदम वो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम होती है, उसका बिल्कुल वैसा कलर है. रियली लाइक द टेक्स्ट एज वेल. स्पेसिफिकली इनके वाले लिए हैं आई मेकअप वाइप्स, जो कुछ देखते हैं इस तरह से. एंड दीज आर बायोडिग्रेडेबल, बाय द वे इस पर लिखा भी हुआ है बायोडिग्रेडेबल आई मेकअप रिमूवर वाइप्स. एलो एंड कुकुम्बर वाला वेरियंट है ये. मैं क्लासेस में जाती हूँ, सो हम काफ़ी सारी आई शाडो लोग प्रैक्टिस करते हैं. काफ़ी बार तो हम फुल फेस मेकअप भी नहीं करते, हम खाली आई शाडो लोग से ही प्रैक्टिस करते हैं. मुझे स्पेसिफिकली कुछ चाहिए था कि आई मेकअप भी रिमूव हो जाए, तो इसलिए मैंने ये लिया है. दिस इज जस्ट फॉर ₹29 ओनली, विच इज सुपर सुपर अफोर्डेबल. मतलब 30 रुपये में क्या ही मिलता है आजकल, ब्रांड का प्रोडक्ट मिल गया. देन नेक्स्ट अप वी हैव अ नेल पेंट रिमूवर, ये है 49 रुपीज़ का. ये मैंने अपनी रील वाली जो वीडियो डाली थी ना, उसमें भी ये दिखाया था. सो ये रेडी वाले जो वाइप्स आते हैं ना, ऐसे सर्कुलर वाले, आप जस्ट एक निकालो एंड देन यू कैन रिमूव योर नेल पेंट वेरी इजिली. मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, बिकॉज काफ़ी बार ना आप ऐसे एसीटोन या फिर जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो डालते रहो ड्राई हो जाता है नेल पेंट आपकी, अच्छे से हट नहीं पाती. तो मुझे ये काफ़ी कन्वीनियंट लगते हैं. मैंने इससे पहले कलर बार इन साइड के काफ़ी सारे ट्राई करे हुए हैं, और वो आते हैं 190 के. ये मुझे मिल गया 49 रुपीज़ में, जो मुझे काफ़ी अच्छी स्टील डील लगी. दिस इज़ बाय द वे एसीटोन फ्री इनरिच्ड विद विटामिन ई एलोवेरा ऑलिव ऑयल. सो आई होप इससे वो जो मेरे नेल्स हैं उसे ड्राई नहीं होंगे, बिकॉज जो एसीटोन वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नेल्स को ऐसे सुखा देते हैं. सो ये मुझे टेस्ट करके ही बताना पड़ेगा. नेल पेंट में मैंने पिक करा था ये वाला शेड जूडियो का. द शेड नेम इज़ फॉन, जो बहुत प्यारा न्यूड कलर है. मैंने जो अभी लगाई है वो नायका की नेल पेंट है. दिस इज़ नॉट दिस नेल पेंट, आई एम क्लियरिंग इट आउट. बट ये भी बहुत प्यारा शेड है. द ओनली थिंग इज़ ये बहुत जल्दी फेड होना शुरू हो जाती है, एंड इट हैज़ दैट एल्कोहली वाली फ्रेग्रेंस. मतलब इसमें बिल्कुल वो जो सस्ती लोकल वाली नेल पेंट होती है ना, हल्की हल्की वैसी फ्रेग्रेंस आती है. जो एल्कोहलिक फ्रेग्रेंस होती है ना, वो इसमें आती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग. बट प्राइस पॉइंट अगेन बहुत सस्ता है, तो इससे ज़्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे. लाइक दिस इज जस्ट फॉर ₹79, और काफ़ी अच्छा डिसेंट आपको इसमें क्वान्टिटी मिल रही है. इनका एक सेट ऑफ 4 वाली नेल पेंट भी आती है, जो आई थिंक 199 समथिंग की आती है. उसमें 50 की इतनी 4 आती हैं. सो भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब डिसेंट है. अगर आप लोकल ही लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट इनका लॉन्गिविटी इतना नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. नेक्स्ट
फ्रॉम लाइफस्टाइल पर भी बहुत अमेजिंग सेल लग रही है. इनफैक्ट अब तो सेल थोड़ी कम हो रही है बिकॉज मैं लास्ट वीक गई थी बसंत कुंज वाले लाइफस्टाइल में गई थी जो एम्बियंस मॉल में है. सब कुछ फ्लैट 60-70% ऑफ है और जब मैं कल गई तो काफ़ी डिस्काउंट लाइक थोड़ा कम हो गया था. उन्होंने न्यू अराइवल ज़्यादा रख दिए थे सो आई थिंक अभी जल्दी जाओ तो बेटर है बिकॉज बसंत कुंज वाले लाइफस्टाइल में आपको अच्छी डील मिलती है. अगर आप ये पैसिफिक वाले में जाओगे ना जो सुभाष नगर में, वहाँ पर तो सब कुछ लाइक सोल्ड आउट होता है बिकॉज वहाँ पर बहुत जल्दी चीज़ें बिक जाती हैं. सो या अगर आप डेली में रहते हो तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ. सो इस बार जब मैं लाइफस्टाइल ली, मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था लेने का बिकॉज काफ़ी कपड़े हैं. आई टोल्ड यू मतलब अब मुझे लगता है मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं बट या अ गर्ल कैन नेवर हैव इनफ क्लोथ. तो मुझे दो चीज़ें अच्छी डील पर दिखी तो मैंने ले ली. सबसे पहले है मेरे पास ये जिंजर का टॉप, जिंजर कोड एंड फेम फॉर एवर. ये तीन ब्रांड्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं फ्रॉम लाइफस्टाइल. मैंने लिटरली अपनी एंटायर कॉलेज लाइफ इन तीन ब्रांड्स पे गुजारी है. मैं हर बार वेट करती थी इनकी जून जुलाई या फिर जो अगस्त में, अभी जून जुलाई में आती है ये वाली सेल और एक आती है दिसंबर में. मैं ये दो सेल का वेट करती थी अपने कॉलेज टाइम पे एंड आई ओनली यूज टू बाय एट दैट टाइम बिकॉज पैसे बचते थे और अभी मैं थोड़ी वैसी हूँ, पैसे बचाती हूँ. सो दिस इज़ अ क्रॉप टॉप सॉर्ट ऑफ थिंग जो रिब वाला आता है, साइड में से नॉट दी हुई है टाइट करने के लिए. मेरे पास ऐसे स्टाइल में टॉप था लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आता है सो मैंने एक अपडेटेड साइज़ ले लिया. दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ग्रीनिश कलर. ये है जिंजर से, अगेन इसमें मैंने साइज़ लिया है मीडियम और ये मुझे मिला है 50% ऑफ पे. MRP इज 800 rupees, सो 50% ऑफ इज़ लाइक 400. सो ये मुझे 400 rupees का मिला है, नॉट ऑल बैड. लेकिन इसकी जो लेंथ है वो क्रॉप्ड है, ज़्यादा लॉन्ग वाला ये टॉप नहीं है. जीन्स का वहाँ पे एक सेक्शन था, बेसिकली एक हैंगर लगा हुआ था जहाँ पे लिखा था फ्लैट 999. तो मतलब उसमें कोई भी जीन्स लो वो 1000 rupees की लगी हुई थी. सो उसमें मैंने पिक करी ये वाली जीन्स फ्रॉम क्रॉस. क्रॉस की जीन्स बहुत अच्छी होती है. इफ़ यू आर समवन हु हैज़ लाइक ब्लोटिंग इशू या फिर आपकी अपर थाई बहुत ज़्यादा हैवी है, आई वुड एडवाइस यू गो फॉर दिस ब्रांड कॉल्ड क्रॉस. आप लाइफ स्टाइल जाओगे, शॉपर स्टॉप जाओगे या फिर दो तीन और ऐसी ब्रांड्स जहाँ पे ये ब्रांड मिलती है, डेफिनेटली चेक दीज आउट. मतलब इनकी जीन्स ट्राई करना, आपको फिट अलग ही आएगी. सो मुझे काफ़ी टाइम से ऐसी इलास्टिक वाली जीन्स चाहिए थी बिकॉज बहुत ज़्यादा आजकल ब्लोटिंग इशू हो गया. ऑब्वियसली मैं बहुत जंक खा रही हूँ, बाहर का बहुत खा रही हूँ तो हो जाता है हल्का सा टमी ब्लोटेड हो जाता है. सो इसलिए मैंने ये वाली ली है. इसमें मैंने साइज़ लिया है बाय द वे. सो द स्टाइल इज हाई राइज वाइड लेग और इसमें मैंने साइज़ लिया है 28 बिकॉज ये हाई वेस्ट पे है तो 28 विद इलास्टिक काफ़ी अच्छी आ जाती है और ये पूरी ऐसे लॉन्ग है, काफ़ी प्यारा कलर. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं ट्रायल रूम वाली स्टोरी डालूंगी. इसकी फिट बहुत प्यारी आई है, मतलब सो कम्फर्टेबल होता है ना. काफ़ी बार आप ब्लोटेड होते हो, आप बैठते हो फिर आपकी जीन्स आपको पेन देती है, आपसे बैठा नहीं जाता. बट ये इलास्टिक वाली है ना तो इसके बाद कोई इशू नहीं होने वाला एंड द स्ट्रेच इज ऑल्सो रियली नाइस. इट्स लाइक दैट जेंजी वाइब वाली वाइड लेग जीन्स जो होती है ना. एंड फॉर ऑनलाइन परचेज नाउ और इसको मैं बोलूँगी बारबी हॉल बिकॉज सब कुछ एकदम बारबी वाले कलर का आजकल, वैसे भी बारबी वाला फीवर एकदम चल रहा है. और ये आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस हो गया कि सब कुछ मैंने रिसेंटली पिंक कलर में ले लिया है बिकॉज एक होता है ना आप सबको देखते फिर आपको लगता है यार पिंक की बड़ी कमी है आपके वार्डरोब में. सबसे पहली चीज़ जो मैंने मिंत्रा से ली है रिसेंटली वो है ये प्योर कॉटन का पजामा जो पूरा ऐसे लॉन्ग जाता है एंड इट हैज़ दीज वाइट स्ट्राइप्स और पॉकेट इसकी बहुत अच्छी है. इट हैज़ रियली नाइस डीप पॉकेट्स और कंफर्टेबल है. इट्स लाइक अ नाइस हाई राइज वाला पजामा ट्रैक, मतलब पजामा नहीं बोलूँगी, पजामा बोल के इसकी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी. इट्स लाइक अ नाइस ट्रैक पैंट. नेक्स्ट अप वी हैव चप्पल्स फ्रॉम मिंत्रा और मैं खाली इस साइड से दिखाने वाली हूँ बिकॉज इस साइड से थोड़ा बुरा हाल हो गया बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पूरा एक या दो वीक हो चुके हैं मैंने इसको अच्छे से पहना है. मैंने स्पेसिफिकली बारिश के लिए ली थी बिकॉज इनकी हाइट काफ़ी अच्छी. ये ब्रांड है कोई कुक एंड कीच करके के ऑन मिंत्रा और मैंने ये वाला स्पेसिफिकली कलर पिक किया है बिकॉज मुझे काफ़ी कूल लगा, स्काई ब्लू सॉर्ट ऑफ कलर. इस पर ब्लैक भी है, वाइट भी है, काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं एंड दिस इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल. मैंने इसका स्ट्रैप भी ना अपने पैरों के हिसाब से एडजस्ट कर लिया बिकॉज मेरे पैर जो है वो काफ़ी पतले हैं तो मैंने इसको टाइट भी कर लिया और बहुत कंफर्टेबल है. आई लव द फैक्ट इसमें बीच में ना यहाँ पे एक हाइट है, मतलब यहाँ सेंटर में एक बहुत अच्छा इन्होंने कुशनिंग नहीं बोलूँगी एक एलिवेशन दी हुई है तो मेरा फुट बहुत कंफर्टेबल रहता है. और आजकल तो मैं जितनी भी ग्रोसरीज लेने हैं, सब्जी लेने हैं, जितनी भी बाहर गई हूँ मैं यही पहन के गई हूँ. वेरी 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 कंफर्टेबल. लाइक वन थिंग जो मैं मिंत्रा से इस वीडियो में आपको रिकमेंड करूँगी दिस वन, ये तो मैं शायद अपने जुलाई फेवरेट्स में फीचर करने वाली हूँ बिकॉज दीज आर एक्चुअली वेरी गुड. अगर आप ऐसी वाली स्लाइडर्स ढूंढ रहे हो ना ये वाली ट्राई करना, यू विल लव इट. My next Barbie theme outfits are from Amazon. सबसे पहले है ये टॉप जो मैंने रिसेंटली अपने नायका हॉल में भी पहना था और बहुत सारे उसमें कमेंट्स भी आए थे कि लिंक दो एंड आई वाज लाइक यार अभी हॉल बनाऊंगी तभी बताती हूँ बिकॉज पहले बताओ तो फिर सस्पेंस चला जाता है, तो मैंने उसमें रिप्लाई नहीं किया. सो क्या हुआ, मैंने जब ये ऑर्डर किया था ना एक या दो वीक तक रखा ही रहा बिकॉज आई थिंक मैंने शिफ्टिंग से ही पहले ऑर्डर किया था. आई रिमेंबर ये मैंने पहले वाले घर में ऑर्डर किया था फिर एकदम शिफ्टिंग होने लगी तो ये रखा ही रहा. इसका रिटर्न भी चला गया था सो इसका रिटर्न पीरियड भी पूरा खत्म हो गया था. तो मैंने फर्स्ट टाइम पहना जब मैं नायका की शूट कर रही थी और मैंने जैसे ही पहना इट
वॉज लाइक टू डीप, मतलब इसके जो वी नेक है लिटरली बहुत ज़्यादा डीप आ रहा था, और मैं अभी तो इतना डीप ज़्यादा पहनना कंफर्टेबल फील नहीं करती, इधर उधर कहीं बाहर जाओ तो अलग सेंस है, बट मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा जूम इन कर दिया था कैमरा, ताकि इतना पोर्शन मेरा क्रॉप हो जाए. आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट है, बट ये बहुत प्रिटी है, हल्का सा डीप है बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इट हैज़ दीज रफल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, स्लीवलेस है बाय द वे, लेकिन साइड में रफल्स जाती है तो एक हल्का हल्का कवरेज मिल जाती है. बहुत प्यारा इसका वी नेक है, और एक क्रॉप सॉर्ट ऑफ टॉप है, लेकिन इसकी लेंथ ठीक है, इट्स नॉट दैट शॉर्ट वाला क्रॉप टॉप. लाइक अगर मेरी हाइट तो काफ़ी कम है, वैसे 5'1" मेरी हाइट है, सो 5'1" के लिए तो ये डिसेंट लेंथ है. आप इसका कोई भी हाई वेस्ट डेनिम्स या फिर स्कर्ट्स पहन सकते हो, बट इट्स वेरी प्रिटी. अमेजोन के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत टाइम से मन था पिंक कलर की पैंट्स लेने का, तो मैंने ये भी अमेजोन से ऑर्डर करी है. दीज आर बाय द ब्रांड कॉटी. ये वाली पैंट्स काफ़ी चल रही है, मैंने मतलब इनके सारे कलर्स देखे हैं अमेजोन पे. ये है ब्रांड नेम बाय द वे कॉटी, एंड इट हैज़ दी दिस जिप सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब साइड में ऐसे जिप जाती है, और स्ट्रेच भी इसका डिसेंट है. सो क्या हुआ, मैंने इसमें साइज मंगा लिया एक साइज ऊपर, बिकॉज किसी ने नीचे ना रिव्यूज़ में लिखा होता कि गो फॉर वन साइज अप बिकॉज ये टाइट आती है. सो इसमें मैंने साइज मंगवाया. वेयर इज़ द साइज, आई ऑर्डर्ड द साइज 30, जबकि मुझे 28 आता है, मैंने 30 ऑर्डर कर दिया, और ये लूज़ है, मतलब हल्की हल्की ढीली फील हो रही है. इसके लिए मुझे हल्का सा और मोटा होना पड़ेगा, जो मैं होना नहीं चाहती, बट अगेन वही हुआ है, मैंने बहुत पहले ऑर्डर करी थी, तब रिटर्न पीरियड चले गया, तो मैं रिटर्न भी नहीं कर पाई. सो अब मैं इसको जैसे जैसे पहनने की कोशिश करूँगी. बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब अगर आपकी 5'1" हाइट है तो आपको डेफिनेटली कटवानी पड़ेगी. मैं भी इसकी फिटिंग कराऊंगी नीचे से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबी है, बट द लुक इज़ वेरी नाइस एंड द मटेरियल इज़ ओके. बिकॉज मैं भी कल या परसों जब H&M गई थी ना, लिटरली ऐसी वाली पैंट्स H&M में मिल रही थी 1500-2000 सेल पर, मैं आपको बता रही हूँ. फ्रेश में तो वो आपको मिलेगी 2500-3000 की, वहाँ सेल पर भी 1500-2000 की मिल रही थी, एंड उनका मटेरियल इससे भी बेकार था, मतलब ट्रस्ट में ये तो फिर भी थोड़ा अच्छा मटेरियल है, उसका और बेकार मटेरियल था. माय नेक्स्ट परचेज इज फ्रॉम लेंसकार्ट. सो मैं लास्ट टू लास्ट टाइम एक बार लेंसकार्ट के शोरूम गई थी, बिकॉज मेरे ना करंट वाले जो स्पेक्स हैं, ये वाले मैं जो पहन रही हूँ ये भी लेंसकार्ट के हैं बाय द वे, वो फाइनली अब दिख रहा है बिकॉज आज मैं बिना लेंसेज के शूट कर रही हूँ. सो ये वाले जो स्पेक्स हैं उसमें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे जो आईबॉल के पास होता है ना ग्लास, वहाँ पर स्क्रैच आ गया और देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. और आजकल मुझे हल्का सा ना जैसे टियरी आईज जैसा होता है वैसा भी इशू हो रहा था. सो मैं चेक करवाने भी गई थी. सो लास्ट टाइम मैंने फ्रेम्स देखे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, एंड आई एम लाइक अ जेमिनाई, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ फ्रेम से. ये आई थिंक मैंने लिया था ऑलमोस्ट नवंबर में, और नवंबर से अब तक आप लगा लो 7-8 months हो चुके हैं, अब मैं इससे बोर हो चुकी हूँ. मैंने तब भी ये दो लिए थे, एक ये वाले स्पेक्स लिए थे और एक वो शेड्स वाले लिए थे जो क्लिप ऑन वाले आते हैं. लेंसकार्ट पे ऑफर चलता है इनके 3000 आप 2 pair ले सकते हो, बट दिस फॉर गोल्ड मेंबर्स. मैंने गोल्ड मेंबरशिप ली थी लास्ट टाइम, तो मेरी अभी वैलिड है, तो मैंने इस बार दो और परचेज कर लिए फ्रॉम द सेम ऑफर. सो इस बार क्या हुआ, मैंने ऑफलाइन परचेज किया था ना, तो जब उन्होंने लॉग इन किया तो एक कोड आया मेरे पास, सो दे सेड कोड लगा के देखो क्या पता लग जाए. सो उन्होंने कोड दिया था, उससे 100 rupees और ऑफ हो गए थे, और फिर मैंने अपना कोई कार्ड यूज़ किया, तो मुझे दो ये स्पेक्स मिले हैं फॉर 2800 ओनली, विच इज़ लाइक अ स्टील डील, बिकॉज आजकल आपको पता है चश्मे कितने महंगे हो गए हैं. सो लेंसकार्ट की जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से आती है. बाय द वे नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने अब तक जितने भी चश्मे खरीदे हैं लेंसकार्ट के वो अपने पैसे खरीदे हैं. आई विश वन डे लेंसकार्ट स्पॉन्सर्ड मी, मतलब मैं इनकी इतनी लॉयल कस्टमर हूँ ना, मैं बिना पैसों के इनको फ्री प्रमोशन दे रही हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक द शेड्स. इनका सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, काफ़ी बार स्पेक्स अगर हल्का फुल्का टेढ़ा वेढ़ा भी हो जाता है तो मैं इनके शोरूम चली जाती हूँ, मुझे फ्री वो जो मतलब कांच नहीं ठीक होता, जो ग्लास होता है वो नहीं चेंज करके देते, बट हल्का फुल्का अगर स्पेक्स डिफॉर्म हो जाता है तो वो ठीक करके दे देते हैं. एंड दिस इज़ द OG लेंसकार्ट का केस. इनके केसेस काफ़ी अच्छे हैं, आई ऑलवेज कीप वन इन माई बैग. सबसे पहले मैंने लिए हैं ये वाले फ्रेम्स, मैंने दोनों अलग स्टाइल के लिए इस बार थोड़े से. सो ये हल्के से स्क्वायर कट में है, एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक. ये वाला साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, मैंने एक साइज़ बड़ा लिया है फॉर लाइक वर्क स्टफ, लाइक काफ़ी बार जब लैपटॉप पे काम करना होता है, थोड़ा इधर उधर टीवी भी देखना होता है, बिकॉज मेरी आदत है मैं काफ़ी बार जब रील्स एडिट करती हूँ जिसमें ऑडियो या फिर कुछ सुनने का जरूरत नहीं होती, बिकॉज रील्स पर तो बाद में म्यूज़िक डल जाता है, तो मैं रील्स एडिट करते हुए नेटफ्लिक्स या फिर टीवी देखती हूँ. सो आई हैव अ हैबिट लाइक यहाँ पे लैपटॉप पे एडिट कर रही हूँ, ऊपर टीवी देख रही हूँ, सो इसलिए मुझे थोड़ा सा वाइड वाले चश्मे चाहिए थे. सो मैंने ये वाले ऑर्डर करे हैं, रियली नाइस एंड कम्फर्टेबल, एंड थैंक गॉड मेरा नंबर नहीं बढ़ा. मैंने आई टेस्ट भी कराया था, मेरा सेम नंबर आया. दे सेड अननेसेसरी मत बढ़ाओ, बस अपना जो आई को स्ट्रेन देते ना फालतू में, सारे टाइम टीवी मोबाइल में लगे रहते, उसको थोड़ा सा कम करो और आई ड्रॉप्स डालो खाली, उन्होंने मुझे यही बोला है. ये वाला ही मैंने जो ऑर्डर किया इस बार नैरो ऑर्डर किया, एक्स्ट्रा नैरो नहीं ऑर्डर किया, बिकॉज एक्स्ट्रा नैरो से फिर हेडेक होता है. सो दिस इज़ माई डेली बेसिस वाले ग्लासेस. टू इट्स लुक्स नाइस, काफ़ी अच्छा कलर है, और ये भी मुझे डील पर मिल गए दोनों. हल्का साइज बड़ा, आई थिंक दिस इज द वन दैट आई एम कैरिंग करंटली. ये ऐसे छोटे से हैं और ये हल्का सा साइज बढ़ाया, ये हल्के से वाइड हैं, बट दीज आर वेरी कंफर्टेबल और देखने में भी काफ़ी कूल लग रहे हैं. आजकल ये ट्रांसपेरेंट वाले फ्रेम्स काफ़ी कूल
चल रहे हैं मतलब फैशन में. सो दिस इज फ्रेम नंबर वन एंड दिस इज फ्रेम नंबर टू. डू लेट मी नो मेरे पे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये तो काफ़ी लूज है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कहीं झटका है ना तो ये अपने आप निकल जाएगा. बट ये मैंने डिलिब्रेटली लूज लिया है. दिस वन इज स्टिल फिटेड. आई थिंक मैं पहन ही लेती हूँ बिकॉज आज मैंने लेंसेज नहीं पहना और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. एंड फाइनली माई कलेक्टिव हॉल इज ओवर. आई हैव वन प्रोडक्ट लेफ्ट लेकिन वो मैं इंस्टाग्राम पर रिवील करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट एवर लग्जरी परचेज आफ्टर लाइक रियली रियली लॉन्ग टाइम ऑफ ओवर थिंकिंग. मतलब लू ना लू मैंने फाइनली ये चीज़ ले ली है और ये मैं अपने इंस्टाग्राम पर रिवील करने वाली हूँ बिकॉज जस्ट लाइक एवरी क्रिएटर जो इंस्टाग्राम पे ऐसा अनबॉक्सिंग वगैरह करता है ना मैं वही करने वाली हूँ. मेरा भी मन है थोड़ा ट्रेंड फॉलो करने का सो आई विल फॉलो दैट ट्रेंड. सो ये आपको दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम पर. सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो. यार ये तो लूज हैं. ओह गॉड मैंने एक साइज बड़ा ले लिया और ये लूज आ रहे हैं. दीज आर नॉट दैट टाइट. मुझे एक्स्ट्रा नैरो ही लेना चाहिए था क्या. ऐसे रिटर्न हो जाएंगे टेंशन वाली बात नहीं है. बट यार दिस वन इज फिटेड. जो मेरा पुराने वाला जो है वो काफ़ी टाइट फील हो रहा है और ये तो लूज ले लिया मैंने. बट दिस इज़ माई हॉल. इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. जूडियो का तो नहीं मिल पाएगा बिकॉज जूडियो ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं है. वो आप स्टोर में जाके ले सकते हो. बट इसके अलावा जो भी लाइफ स्टाइल अमेजॉन मिंत्रा के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो मेरे इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. बहुत सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर कॉन्स्टेंटली डालती हूँ. इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पर पहले पता चल जाती हैं, यूट्यूब पर बाद में पता चलती हैं. सो फॉर दोज क्विक अपडेट्स यू हैव टू फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम. एंड दैट इज इट फॉर डेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.